रही है भाई, सही से आ रहा है ना। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई लैपटॉप का रिव्यू लाओ, ले आए। आज है अपने पास Asus ROG Strix G17 लैपटॉप। ROG की फुल फॉर्म बताओ कमेंट में, मेरे को पता ही नहीं है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना क्योंकि बहुत डिटेल वीडियो बनाई है और सारी चीजें सारे डाउट्स तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। देख लो यार, विश्वास करो अपने भाई का। शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त युष, आप देख रहे हो अनबॉक्स टेक। चलिए गाइस, तो जो भी लोग देहरादून या उत्तराखंड से देख रहे हैं ये वाला पार्ट तुम्हारे लिए, बाकी लोग टाइम स्टैम्प देख के आगे खिसक सकते हैं। देहरादून से तो तुम्हें पता ही होगा कि भाई लैपटॉप खरीदने की सबसे बढ़िया मार्केट है कैपरी ट्रेड सेंटर, और वहां पर तुम्हें एक शॉप मिलेगी लैपटॉप स्टोर के नाम से। तो वहां पर तुम्हें प्रोफेशनल से लेकर के गेमिंग तक सारे लैपटॉप्स की रेंज मिल जाएगी, और वहां पर फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और किसी भी मोड से तुम पेमेंट कर सकते हो। और बाकी एड्रेस, फोन नंबर, सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉल, व्हाट्सएप, जो भी करना हो तुम वहां से जाकर के कर सकते हो, और अगर हमारा रेफरेंस दे दोगे तो हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाए। अब सीधा अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले अपना लैपटॉप आ जाता है, इसके साथ हमें मिलता है ROG फिनिश वाला 150 वॉट का अडैप्टर, एक पावर कॉर्ड और कुछ किताबी पुस्तकें। तो इसके डिजाइन के लिए ना मतलब शब्द नहीं मिल रहे मेरे को, इतना तगड़ा डिजाइन दिया हुआ है, क्या ही बोलूं। मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी भाई साहब, पूरी जान लगा दी। पर लिड देख सकते हो, यहाँ पर कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं और एकदम प्लेन फिनिश आती है इसके साथ। और यहाँ पर हमारा ROG का जो लोगो है ये मिरर फिनिश के साथ आता है, और इसका लोगो ग्लो करता है, बहुत तगड़ा लगता है भाई। और ये एक 17 इंच का लैपटॉप है, और मैं पहली बार एक 17 इंच के लैपटॉप को ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर भी कुछ वेंट्स देने की कोशिश की गई है, और यहाँ पर अपनी ROG की ब्रांडिंग, और यहाँ पर ना मैट फिनिश की गई है। बैक साइड की बात करें तो पीछे इसके काफी सारे वेंट्स खुले हैं ताकि एयर इनटेक वगैरह एकदम बढ़िया तरीके से हो जाए। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर रबर ग्रिप दी हुई है, और रबर ग्रिप के ऊपर भी भाई कुछ कुछ लिखा हुआ है इन्होंने। यहाँ लिखा फॉर दोज हु डेयर, बाकी जिसमें नहीं है हिम्मत वो दूर रहो। और पीछे की साइड हमें कुछ एयर एग्जॉस्ट वेंट्स देखने को मिलते हैं। साइड में भी हमें एयर एग्जॉस्ट के लिए वेंट्स दिए गए हैं, तो टोटल 4 वेंट्स इसके अंदर हमें दिए हैं हवा को बाहर निकालने के लिए। और यहाँ पर हमें इसके साथ RGB स्ट्रिप लाइट देखने को मिलती है, ये नीचे इसके पूरे लगी हुई है। तो ROG Strix वाली सीरीज इसीलिए कुछ ज्यादा ही फेमस है क्योंकि इसके अंदर नीचे हमें ग्लोइंग लाइट्स देखने को मिलती है, और कुछ लोग तो इसे भाई ग्लोइंग लैपटॉप भी कहते हैं क्योंकि ये अलग अलग कलर्स में ग्लो करता है भाई। और अगर बिल्ड की बात करें तो इसकी पूरी प्लास्टिक बॉडी की बिल्ड है, तो थोड़ा बहुत अपर लिड पर भी हमें थोड़ा बहुत फ्लेक्स देखने को मिलता है, और हल्का फुल्का फ्लेक्स हमें अंदर कीबोर्ड की साइड पे भी देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल बिल्ड इसकी काफी तगड़े प्लास्टिक से बनाई गई है, टफ जितनी बढ़िया नहीं है, लेकिन वैसे बहुत बढ़िया, तुम्हें कोई कमी नहीं लगेगी। लिड ओपन करें अगर लैपटॉप की तो आराम से एक हाथ से ये लिफ्ट हो जाता है, और ये कपड़ा इसके साथ फ्री मिलता है भाई, साफ सफाई मत करना इससे। तो ऑन करने पर इसके अंदर हमें ऐसे कुछ लोडिंग होती है, और तो ऐसे ये ऑन हो जाता है फुल आवाज वो निकाल के। तो अगर हिंज की बात करें तो मुझे तो हिंज की क्वालिटी इसकी काफी सही लगी, और डिस्प्ले वॉबलिंग इशू भी इसके अंदर मुझे तो नहीं लगा। तो ओपन करते तुम्हें एक चीज दिखी होगी कि इस लैपटॉप के अंदर हमें वेबकैम नहीं मिलता, तो तुम्हें एक्सटर्नल खरीदना पड़ेगा। इस लैपटॉप में हमारे पास है Ryzen 7 4800H 8 Core 16 Threads वाला ग्राफिक कार्ड है। इसमें हमारे पास GTX 1650 65W की TGB आती है, और 50W+15W है, 15W टर्बो बूस्ट से मिलती है। रैम है इसके अंदर 8GB की DDR4 30 200 मेगाहर्ट्ज वाली। स्टोरेज है इसमें हमारे पास 512GB की SSD। कनेक्टिविटी के लिए इसके अंदर हमारे पास लेटेस्ट वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.1। लेफ्ट साइड पे हमारे पास है 2 USB टाइप ए 3.2 Gen 2 वाले, और एक 3.5 mm हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। राइट साइड में इसके अंदर हमें कोई पोर्ट नहीं मिलता। तो बाकी के पोर्ट्स कहाँ है भाई? नहीं है, इतने ही है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो पीछे की साइड इसके अंदर हमारे पास है एक USB टाइप ए 3.2 Gen 2 वाला, एक USB टाइप सी 3.2 Gen 2 के साथ, एक HDMI 2.0 का पोर्ट, एक RJ45 LAN पोर्ट, और एक पावर डिलीवरी के लिए। और अपने इस टाइप सी पोर्ट के अंदर 100 वॉट की टाइप सी चार्जिंग भी सपोर्टेड है, तो यानी कि तुम अपने स्मार्टफोन के चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हो। लेकिन हाँ, वो सिर्फ काम चलाने के लिए, अगर तुम ट्रैवलिंग वगैरह करते हो तो। और ये वाला फीचर G15 और G17 दोनों के अंदर है, और इससे तुम डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो। पावर डिलीवरी का ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल कि तुम अपना स्मार्टफोन वगैरह चार्ज कर सकते हो, और फाइल ट्रांसफर वगैरह भी हो जाएगी इससे। पोर्ट एक है लेकिन काम अनेक है भाई साहब। पर हाँ, इसमें हमें कोई SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता। तो अगर अंदर के डिजाइन की बात करें तो लेफ्ट साइड में हमें Ryzen 7 और GTX 1650 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और राइट साइड में हमें वाईफाई 6 की ब्रांडिंग, और छोटे-छोटे ROG के पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं। बीच में हमारे पास हमारा ट्रैक पैड, और ये जो नए वाली ROG Strix की सीरीज है इनके अंदर जो ट्रैक पैड का साइज है वो बढ़ा दिया गया, मतलब एक iPhone 5S जितना टच पैड दिया हुआ है इसके अंदर। और इसमें हमें कोई
बटन भी देखने को नहीं मिलते। तो मैं पर्सनली ये वाले टच पैड को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। आरजीबी ओरा सिंक के साथ आने वाला एक कीबोर्ड मिलता है, और मतलब पूरा आरजीबी कीबोर्ड है जिसको तुम कस्टमाइज कर सकते हो इसके सॉफ्टवेयर से जाकर के, या फिर तुम कीबोर्ड के अंदर भी शॉर्टकट कीज दी हुई है। तो FN प्लस ओरा वाले बटन को दबाओगे तो अलग अलग इफेक्ट इसके अंदर तुम्हें दिख जाएंगे जैसे जैसे तुम बटन को दबाते रहोगे, और इसकी ब्राइटनेस को भी तुम कंट्रोल कर सकते हो। फंक्शन कीज के अंदर ही तुम्हें सारी चीजें दिख जाएंगी। और इसकी कीबोर्ड की जो आरजीबी है वो इसके नीचे वाली स्ट्रिप लाइट के साथ चेंज होती रहती है जिस भी इफेक्ट में तुम चेंज करना चाहो। काफी क्लिकेबल कीज हैं और भाई बहुत ही अच्छा की ट्रैवल है। तो अगर तुम कोई प्रोग्रामर हो या फिर टाइपिंग का तुम्हारा ज्यादा काम रहता है तो इसके कीबोर्ड से तुम डेफिनेटली इंप्रेस हो जाओगे। ऊपर की साइड हमें कुछ डेडिकेटेड गेमिंग के लिए बटन्स दिए गए हैं, और राइट साइड पे अपना पावर बटन, यहाँ पर हमें कुछ इंडिकेटर्स भी दिखते हैं, और फिर आ जाती है अपनी आरओजी स्ट्रिक्स की ब्रांडिंग के साथ एक बहुत ही बड़ी 17 इंच की डिस्प्ले। तो अब आर्मरी क्रेट सॉफ्टवेयर की बात चली रही है तो उसका ज्ञान भी दे देते हैं तुम्हें। तो गाइस ये अपना आर्मरी क्रेट सॉफ्टवेयर, तो ये सारे स्टैट्स तुम्हें दिख जाएंगे। यहाँ पे तुम्हें कुछ तगड़े फीचर मिल जाएंगे जैसे कि विंडोज की को लॉक कर सकते हो, टच पैड को डिसेबल कर सकते हो, और बूट अप साउंड वगैरह भी तुम ऑन ऑफ कर सकते हो, और ये है आईजीपीयू मोड। तो अगर इसे ऑन कर दोगे तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड बंद हो जाएगा, तो ये भी एक तगड़ा फीचर इसके अंदर दिया हुआ है। और यहाँ पर ओरा सिंक के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ से तुम इसकी कीबोर्ड और स्ट्रिप लाइट की जो लाइट इफेक्ट्स है वो सब चेंज वेंज कर सकते हो, और यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट दिए हुए हैं जैसे कि रेनबो, कलर साइकिल, अडेप्टिव कलर, स्मार्ट, और मतलब बहुत सारे मोड्स है टोटल। तो तुम इसे यूज करोगे जब तुम समझ जाओगे, और यहाँ से कलर वगैरह भी तुम सेट कर सकते हो। और यहाँ भी तुम्हें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, गेम लाइब्रेरी वगैरह, यहाँ से तुम अपने गेम ऐड करके प्रोफाइल सेट कर सकते हो, और यहाँ से लैपटॉप की परफॉर्मेंस के मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हो, और भी मतलब काफी चीजें हैं। तो मुझे काफी यूजफुल लगा इसका आर्मरी क्रेट सॉफ्टवेयर। अब अगर इसकी बड़ी सी विशाल सी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले के अंदर हमें 144 हर्ट्ज का एक अडेप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी के साथ FHD पैनल 1080p रेजोल्यूशन के साथ, और ये है एक एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले। तो IPS लेवल भाई मेरे को तो समझ नहीं आया कि क्या मतलब है इसका। मैंने IPS डिस्प्ले के साथ कंपेयर किया, कुछ फर्क नहीं था, और जो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी वो भी भाई एकदम बिल्कुल सेम थी, तो फर्क ही क्या रह गया। मेरे तो भाई समझ से बाहर है, मतलब IPS जैसी है यही समझ लो। और इस डिस्प्ले के अंदर हमें मिलता है 45% NTSC जो कि 62.5% sRGB के इक्वल होता है। 1 लाख तक भी तुम कोई भी लैपटॉप देखोगे तुम्हें यही डिस्प्ले मिलेगी हर जगह। ओवरऑल बताऊं तो डिस्प्ले में 250 nits की ब्राइटनेस आती है, तो मुझे तो काफी ज्यादा ब्राइट लगी, और बेजल लेस पैनल है इसका एकदम, क्योंकि वेबकैम की कुर्बानी दी हमने, तो एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से बताऊं तो प्यार हो सकता है तुम्हें इसकी डिस्प्ले से। तो अब तुम्हें इसकी स्पीकर्स की क्वालिटी दिखाता हूं, क्योंकि कई लोगों को डीजे वीजे भी तो बचाने होते हैं ना भाई लैपटॉप के अंदर, समझते हैं भाई साहब डीजे बज जाए हमारे। और ये जो गाना मैं चलाने जा रहा हूं ये मेरे एक दोस्त का रैप सॉन्ग है, तो पसंद आया तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सुन लेना जाके। मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ठीक ठीक से ही लगे इसके स्पीकर, क्योंकि लाउडनेस हमें इतनी ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बेस डेफिनेटली इसमें आती है। तो ओवरऑल बताऊं तो लैपटॉप के हिसाब से बढ़िया स्पीकर है। अब अगर तुम सोचो ना भाई मैकबुक जैसे स्पीकर मिलेंगे तो वो इसमें नहीं है, मैकबुक वाले स्पीकर सिर्फ मैकबुक में मिल सकते हैं भाई। तो भाई साहब मोटा पैसा खर्च करके लाए हो तुम इस लैपटॉप को, तो अपग्रेड भी जान लो क्या क्या कर सकते हो। तो रैम की बात करें इसके अंदर 2 RAM स्लॉट मिलते हैं हमें, 1 RAM स्लॉट भरा हुआ है 8 GB की रैम के साथ, 1 RAM स्लॉट खाली है, और दोनों के अंदर तुम 16 GB की 2 RAM लगा के 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। ऑफिशियली 16 GB मेंशनड है, लेकिन 32 तक हो जाएगी अपग्रेड। और स्टोरेज की बात करें तो 2 स्लॉट इसके अंदर SSD के मिलते हैं, 1 occupied है, और दोनों स्लॉट्स में अप टू 2 TB तक की SSD अपग्रेड कर सकते हो, यानी कि टोटल 4 TB तक हो जाएगी अपग्रेड। और अगर हार्ड डिस्क लगाने का सोच रहे हो तो भाई मेरे हिसाब से तो नहीं लगेगी। अब आ चुके अपने मेन पार्ट पे जो कि है इसकी परफॉर्मेंस। तो पहले हमने Cinebench R23 टेस्ट किया, और उसके अंदर हमारे पास मल्टी कोर स्कोर आया 11716 और सिंगल कोर स्कोर आया 1243। फिर हमने Geekbench 5 टेस्ट किया, तो उसके अंदर सिंगल कोर स्कोर आया 1125 और मल्टी कोर स्कोर था 4828। तो इन स्कोर्स की हेल्प से तुम दूसरे लैपटॉप के साथ अपने इस वाले लैपटॉप को कंपेयर कर सकते हो, और जान सकते हो कि भाई किसका लैपटॉप ज्यादा तगड़ा है, तुम्हारा या फिर उनका। तो अगर तुम स्टूडेंट हो और इस वाले लैपटॉप को लेने का सोच रहे हो, अगर तुम्हारा गेमिंग वेमिंग का थोड़ा बहुत शौक है, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली तुम इसकी तरफ जा सकते हो। और अगर तुम प्रोडक्टिव काम करते हो फोटोशॉप या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह, क्योंकि मेरे बेसिकली इन दोनों में ज्यादातर काम होते हैं, तो अगर तुम 1080p या 4K तक की मीडियम लेवल एडिटिंग करते हो तो हाँ इसमें तुम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8 core CPU है भाई, Ryzen 7 भरोसेमंद CPU है भाई, काम चल जाएगा बढ़िया। लेकिन अगर और भी ज्यादा हाई प्रोफेशनल एडिटिंग में जाते हो तो उसके लिए तुम RAM वगैरह अपग्रेड करके काम चला सकते हो। और अगर तुम 3D मॉडलिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करते हो तो मीडियम लेवल का कर सकते हो, क्योंकि भाई 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। और अगर ज्यादा तगड़ी वाली करनी है तो मैं रेकमेंड करूंगा एटलीस्ट 6 GB का तुम्हारा ग्राफिक कार्ड हो, और हाई लैपटॉप्स की तरफ जाना तुम। तो अब वक्त है गेमिंग टेस्ट से इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस जानने का, और देखते हैं यार
कैसा है। और हाँ, मैं इस वाले लैपटॉप का भी एक डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू लाने का सोच रहा हूँ, तो अगर तुम लोग ऐसा चाहते हो तो कमेंट्स में अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। और जहां तक है तो भाई तुम्हारा भाई कमेंट्स पढ़ता है तो ले ही आएंगे फिर। तो पहले हमने अपने वर्ल्ड फेमस गेम GTA 5 को टेस्ट किया और सेटिंग्स वगैरह तुम देख ही सकते हो। और GTA 5 के अंदर मुझे गेम प्ले काफी स्मूथ लगा, बिल्कुल भी लैग नहीं था, FPS वगैरह सारी चीजें तुम देख ही सकते हो। तो ओवरऑल बताऊं तो गेम वगैरह बढ़िया चलता है भाई, एक नंबर, और बड़ी स्क्रीन के अंदर बड़े मजे आ रहे थे गेम खेलने में। फिर वेलोरेंट टेस्ट किया और इसके अंदर भी तुम सेटिंग्स देख सकते हो कि हाइपर सेट है, और वेलोरेंट में 100 के आसपास FPS देखने को मिल रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से काफी सही है। अगर तुम डुअल चैनल रैम लगवा लोगे तो भाई खतरनाक हो जाएगी परफॉर्मेंस, 120-130 तक भी FPS तो में देखने को मिल सकते हैं। बाकी 144 हर्ट्ज के साथ गेम प्ले काफी स्मूथ था। फिर हमने टेस्ट किया कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, सेटिंग्स तुम देख सकते हो, रेकमेंडेड सेटिंग्स थी। तो वॉरजोन के अंदर भी हमें 60-70 FPS तक देखने को मिल रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से 1650 के हिसाब से काफी सही है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वॉरजोन में भी बढ़िया थी, और डिस्प्ले बड़ी होने की वजह से छोटे मोटे एलिमेंट्स भी अच्छे से दिख जाते हैं, तो गेम खेलने में और भी मजा आ जाता है। तो बैटरी की बात करें तो इसके अंदर हमें 90 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है, और काफी बड़ी बैटरी है। तो मैंने मैक्सिमम बैकअप लेने के लिए इसके अंदर 50-60% ब्राइटनेस रख दी, बैटरी सेवर को मैंने ऑन कर दिया, कीबोर्ड और इसकी जो स्ट्रिप लाइटिंग है इसको बंद कर दिया। तो उसके बाद मुझे कुछ 4-5 घंटे का बैकअप इस लैपटॉप से मिल गया था, काफी तगड़ा है भाई एक गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से। तो बैटरी से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। और भाई अब कमेंट मत करना कि यार मुझे तो इतना बैकअप नहीं मिल रहा ये वो, तो अगर तुम इस सेम चीजें कर करके ही बैकअप लोगे तो ही तुम्हें इतना बैकअप मिलेगा। तो अगर तुमने अब स्किप कर दिया ना तो तुम समझ लो कि तुम्हारा वीडियो देखना बेकार हो जाएगा, मतलब सच में हो जाएगा भाई, सीरियसली। तो ये जो लैपटॉप है ये है 17 इंचेस का लैपटॉप, देख सकते हो ना कितना बड़ा है, और इसका एक 3 इंच वाला वर्जन भी आता है। तो इनके से अगर तुम्हें एक बल्कि भारी बड़ी स्क्रीन वाला लैपटॉप नहीं चाहिए तो इसका एक G15 वेरिएंट भी आता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक दे दूंगा, वो वाला चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एक बात है, 17 इंच के लैपटॉप में गेमिंग करने का भाई अलग लेवल का एक्सपीरियंस था। मेरे को इसके बाद अपना 15 इंच वाला लैपटॉप छोटा लगने लग गया, ऐसा लग रहा था कि भाई क्या बच्चा चला रहा हूं मैं। और अगर थर्मल्स की बताऊं तो सर्दियों के हिसाब से तो वैसे क्या हीट होगा, और गर्मियों के हिसाब से बताऊं तो गेमिंग टेस्ट तुमने देख लिया, 10 डिग्री एक्स्ट्रा ऐड कर देना तब भी मैक्सिमम 80 डिग्री तक इसका टेम्परेचर जाएगा। और Asus कहता है कि उन्होंने कुछ लिक्विड कूलिंग का इसके अंदर यूज किया है। तो जो भी हो, ओवरऑल मेरे हिसाब से तो इसके थर्मल्स काफी सही हैं, और फैन नॉइज भी इतनी ज्यादा नहीं लगी मेरे को। और इसका प्राइसिंग अभी कुछ 80,000 के आसपास चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बाद में पता नहीं भाई क्या हो जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से तुम लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हो। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ज्यादा फोकस इस लैपटॉप को उन लोगों के लिए किया गया है जिनके ज्यादा प्रोडक्टिव काम होते हैं, या फिर वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह पे जिनका ज्यादा फोकस रहता है, और गेमिंग जो लोग डिसेंट कैजुअल गेमिंग करना प्रेफर करते हैं, लाइक बहुत ही हार्डकोर गेमिंग नहीं करते और प्रोडक्टिव काम ज्यादा करते हैं, तो उन लोगों को एक बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है ये सारे काम करने के लिए। तो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रेफर्ड है ये लैपटॉप, और मैं भी भाई उन लोगों को डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि भाई तुम खरीद सकते हो इस लैपटॉप को। मैंने अपने हिसाब से जितने भी प्रोडक्टिव काम करे, मेरे एक भी काम नहीं रुका, सारे काम मस्त तरीके से चल गए। बाकी सारी चीजें तो तुमने वीडियो में देख ही ली होगी, तो अब तुम खुद डिसाइड कर लेना कि तुम्हें लेना चाहिए या फिर नहीं। और अगर कोई डाउट वगैरह है तो इंस्टाग्राम का हैंडल दे रहा हूं, वहां पे तुम पूछ सकते हो, पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की। तो अगर खरीदने का मन करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से जाके खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, खरीदना हो तो वहीं से ही खरीदना। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मार देना, सब्सक्राइब नहीं किया अपने भाई को अभी तक तुमने तो क्या कर रहे हो तुम, अभी तक सब्सक्राइब करो यार, लाल बटन को ग्रे कर दो, बेल आइकन पे ऑल कर दो, ताकि हम तुम्हारे पास ऐसी कमाल की तगड़ी तगड़ी वीडियो लेकर के आते रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी तगड़ी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय। राइट साइड में इसके अंदर हमें तो यार क्या ही बचा होगा, मतलब बचा है, अपने आप से बातें कर रहा हूँ मैं। काश मेरे आगे एक शीशा होता, फिर मैं उसमें देख लेता कि मैं कैसा लग रहा हूँ। कई बार ना बाल खिंच जाते हैं। ओ अब आई ये लाइट भाई, वीडियो खत्म होती लाइट आ गई।